एक्सरसाइज 5.1 से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4, ठीक है। ओके, ये सारे ये जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ करोगे, प्रूविंग दैट या फिर कोई भी डिफाइन करोगे, कुछ भी डिफाइन करना हो या प्रूव करना हो, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमें एक्सियोम्स को ध्यान में रखते हुए ही करना है। अभी कोई भी सब यहाँ पर दी जाए तो आप इसका ड्राइंग एक बार तैयार कर लो, फिर हम देखेंगे इससे रिलेटेड कौन सा एक्सियोम यहाँ पे वर्क करता है, उसके बाद उस एग्जाम से रिलेटेड हम इस बात को प्रूव करेंगे। यहां लिखा है इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए बी इक्वल्स बी सी, ठीक है। यहां पर गिवन में दिया हुआ है कि कोई एक पॉइंट है ए एंड बी पॉइंट्स है एंड सी लाई बिटवीन दैम, और एक कंडीशन दिया है कि ए बी इक्वल्स बी सी, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन है कि सी इन दोनों के बीच में सच दैट दिस पार्ट इज इक्वल्स दिस पार्ट, मतलब ए से लेकर सी तक का जो लेंथ है, एक मिनट सी को एक बार ए सी इक्वल्स बी सी, ठीक है, AC equals BC। तो यहां पे AC और BC इक्वल है, AC और BC इक्वल है, हमें प्रूफ करना है दिस AC इज हाफ ऑफ AB, हमें यहां पर प्रूफ करना है। तो ऐसे तो हम इसको मिड पॉइंट, अगर हम नॉर्मल ज्योमेट्री करते, लाइन्स एंड एंगल्स का नॉर्मल सम्स करते, तो हम क्या बोलते, सिंस दिस टू पार्ट्स आर इक्वल देयरफॉर C इज द मिड पॉइंट देयरफॉर D इज हाफ ऑफ द होल पार्ट, हम बोल देते ऐसा। लेकिन हमें यहां पर ये ऐसा नहीं करना है, हमें यहां पर एक्सियोम यूज करना है। अभी कैसे हम इसमें एक्सियोम यूज करेंगे, देखो प्रूफ। अच्छा, पहले तो मैं यहां पर गिवन नोट कर लेता हूं, गिवन इज ए सी इक्वल्स बी सी, ठीक है। एंड हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल्स हाफ ए बी, हमें ये बात प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं यहां पे सबसे पहले गिवन को यूज करूंगा, क्या गिवन है हमारे पास, AC equals BC, ये गिवन है, ठीक है। अभी मुझे सोचना है इसमें क्या करने से, कौन से एग्जाम्स यूज करने से मैं इसे हमको प्रूफ कर पाऊं। अभी पहला एग्जाम था कि थिंग्स विच इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यहाँ पे दो से ज्यादा चीजें होती है एंड कोई मतलब कई सारी चीजों को हम किसी एक सेम चीज के साथ कंपेयर करते थे, फिर आपस में उन चीजों को इक्वल बताते थे, तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, है ना। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर कुछ मतलब सेकंड हमने एग्जाम देखा था कि अगर हम कुछ चीजों को सेम चीज से ऐड करेंगे, है ना, जैसे सेम थिंग्स आर एडेड टू द सेम थिंग्स द होल इज इक्वल, हमने सेकंड एग्जाम पढ़ा था, अगर आप किसी भी इक्वल में सेम चीज ऐड कर दो तो वो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये थ्योरम शायद किसी काम आ सकता है, हम देखते हैं यहां पर, जैसे मुझे यहां पे ए बी चाहिए, राइट, लेकिन यहां पर ए बी नहीं है, है ए बी तो नहीं है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वल में ए सी एड कर दूं, ठीक है, देखो यहां पर मुझे ए सी की जरूरत है इसलिए मैं ए सी ही एड करूंगा और बोल सर, क्योंकि ए सी में ए सी एड करने से वो ए सी रहेगा, एसी में एसी ऐड करने से वो एसी रहेगा, भले वो टू टाइम्स हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन वो एसी रहेगा। हाँ, मुझे एसी की जरूरत है इसलिए एसी को मुझे बिगाड़ना नहीं है, लेकिन मुझे अदर साइड बी ए बी चाहिए, है ना, अदर साइड मुझे ए बी चाहिए, तो अगर मैं बीसी में, ये बीसी दिख रहा है आपको, इस बीसी में अगर मैं एसी ऐड कर दूं तो एसी प्लस बीसी कितने हो रहे, ए बी हो रहे ना, है? तो मैं इसमें ऑन बोथ साइड एसी ऐड कर दूं, ये दोनों इक्वल है, मैं दोनों साइड में क्या ऐड करने की बात कर रहा हूं, दोनों साइड में बराबर ऐड करूंगा ना, इस साइड में एसी करूंगा तो उस साइड में एसी करूंगा, तो मैं दोनों तरफ सेम चीज ऐड कर रहा हूं, और मैं कहां ऐड कर रहा हूं, सेम थिंग, ये दोनों सेम थिंग है, है ना, ये दोनों इक्वल है, तो मैं ऐड कर रहा हूं इक्वल, और कहां ऐड कर रहा हूं, इक्वल में ही ऐड कर रहा हूं, तो फिर इक्वल होगा तो ये एक एक्सियोम बन रहा है यहां पे, ठीक है। तो ये करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अभी adding AC on both sides, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे भी एग्जाम को ही लिख लो,
equals are added on equals are added to equals equals are added if डाल देते हैं if equals are added to equals then whole are equal ठीक है ये लिख सकते हैं हम लोग तो on both side हम लोग यहां लिख देंगे adding ac on both sides we get दोनों साइड हम ac add कर देते हैं left side में ac पहले से ही है और मैं भी ac add कर रहा हूं तो plus ac राइट साइड में BC है और मैं यहां पर AC ऐड कर रहा हूं तो AC ये समझ में आ गया क्लियर तो दोनों साइड में हमने AC ऐड कर दिया मतलब हमने इक्वल्स ऐड किया इक्वल्स में वो पहले इक्वल थे और हमने फिर सेम चीज दोनों साइड में ऐड किया मतलब हमने भी इक्वल ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा होल जो है मतलब टोटल जो है वो भी मुझे इक्वल मिलेगा ठीक है तो ये दोनों स्टिल इक्वल होंगे ये एक एग्जांपल यूज किया राइट अच्छा अब मुझे प्रूफ करना है कि दिस पार्ट इज इक्वल्स टू ए बी क्योंकि देखो ये दोनों ऐड करने से मुझे क्या मिल जाएंगे टू ए सी ये दोनों टू ए सी मिल जाएंगे ठीक है और इस साइड में मुझे चाहिए क्या ए बी चाहिए अब मुझे प्रूफ करना है क्या ये चीज ए बी के बराबर है तो यहां हम कौन सी एक्सियम यूज कर सकते हैं टू कोइंसाइड ईच अदर Then they are equal. Na? Huh? Things which coincide with one another, then they are equal to one another. तो हम इसमें ये axiom use कर सकते हैं ठीक है तो हम यहां पर लिखेंगे अभी सिंस अच्छा here, मैं इसे equation one डाल देता हूं ठीक है एक मिनट एक और स्टेप हम कर लेते हैं पहले इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ए सी यहां पे बी सी प्लस ए सी ये आ रहा है अच्छा हियर हियर बीसी प्लस ए सी कोइंसाइड्स किसको कोइंसाइड कर रहा है ए बी को बीसी ये जो बीसी और ए सी है ये दोनों पार्ट मिलके इस ए बी को कोइंसाइड करता है ना समझ में आया अच्छा सिंस इन एक्सियम थिंग्स विच कोइंसाइड coincide with one another are equal to one another okay ये है in axiom things which coincide with one another are equal to one another तो यहां पर कोई भी स्टेप अगर हम लिखते हैं उसका आउटकम लिखते हैं तो उसके सपोर्ट में कौन सा एक्सियम आएगा हमें मेंशन करना पड़ेगा अभी मैं बीसी प्लस एसी ये बीसी प्लस एसी को प्लस करके मैं लिखना चाहता हूं उसका आंसर तो ये जो मैं आंसर लिखूंगा इसके लिए कौन सा एक्सियम जिम्मेदार है वो एक्सियम मुझे बताना पड़ेगा अभी ये एसी और एबी को एबी कोइंसाइड कर रहे हैं एसी और बीसी को एबी कोइंसाइड कर रहे हैं तो हमको ये लिखना पड़ेगा अगर कोइंसाइड कर रहा है तो इक्वल हुए ना मुझे ये बात लिखना पड़ेगा उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर देयरफॉर बीसी प्लस एसी इज इक्वल्स एबी हम इसे इक्वेशन नंबर टू डाल देते हैं अभी हम इसे तो हमने इक्वेशन नंबर वन डाला था है ना ये हमने एड कर लिया था उसके बाद ये इक्वेशन नंबर वन है अब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ठीक है कंपेयर करते हैं फ्रॉम कंपेयर भी इसमें भी कंपेयर भी मतलब हम यहां पर भी एक्सियम यूज कर सकते हैं कौन सा एक्सियम बताओ इसको और इसको हम कंपेयर करेंगे कंपेयर मतलब आप इसको एक्सियम के थ्रू कंपेयर करो कौन सा एक्सियम हाँ राइट थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर है ना तो हम इस एक्सियम को यहां पर करेंगे हाँ सो सिंस अच्छा
फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट व्हाट? देखो यहां पे ये जो पार्ट है ये बीसी प्लस एसी के साथ इक्वल है, ये जो पार्ट है वो भी बीसी प्लस एसी के साथ इक्वल है, मतलब बीसी प्लस एसी के साथ ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो मैं इन दोनों को ले सकता हूं, ट्वाइस एसी इज इक्वल्स एबी। अब हमें क्या देना है, एग्जाम क्या देना है हमें, थिंग्स अच्छा थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, सेम थिंग आर इक्वल आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, ये रीजन हम डाल देंगे, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्लियर हो गया हाँ, तो ये यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा अभी हमें आउटकम नहीं मिला, आउटकम मिला नहीं मिला। अच्छा अब बताओ, अब लास्ट आउटकम है, हम क्या कर सकते हैं, हम मैथमेटिकल कंसेप्ट, नॉर्मल मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे ना, हमें एग्जाम बेसिस में चलना है, एग्जाम के मदद से चलना। अब बताओ कौन सा एग्जाम, राइट हाँ क्या, हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, क्लियर हो गए, यहाँ है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर हम किसी भी चीज को हाफ करें वो स्टिल इक्वल होगा, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इसमें हाफ करते हैं, हाफ ऑफ ट्वाइस ए सी, हाफ ऑफ ए बी, और यहां पर हम लिख देंगे थिंग्स थिंग्स which are half half of the same things are equal to are equal to one, ठीक है, things which are half of the same things are equal to one another। अब आप इसको calculate कर सकते हैं, यहां पे आपको cancel करने पर ac मिलता है और वहां पर half ab। proved, clear हो गए,